देखिए साउथ की फिल्में हम पहले भी देखते थे, लेकिन शायद उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना आजकल यानी ओटीटी की दुनिया के थ्रू हमें एक्सपोजर मिला है। और मानना पड़ेगा उनका कंटेंट वाकई में कमाल धमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि इसको आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि साउथ के कंटेंट को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं मनीष शाह, जिनसे आज आप और हम करेंगे मुलाकात और जानेंगे आखिरकार ये मार्केट और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर आपने फिल्म पुष्पा में पुष्पराज की हिंदी की आवाज का खूब मजा लिया है, अगर फिल्म KGF चैप्टर 1 में यश की आवाज आपको दमदार लगी है और कई ऐसी साउथ की फिल्में जिन्हें आपने अपनी भाषा में देखकर खूब मजा उठाया है, तो आज SBS Originals आपको मिलवाएगा उस शख्स से जिसने ना सिर्फ साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड में जगह दिलवाई बल्कि साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके आज ये आलम बना दिया है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को मिल रही है साउथ के सुपरस्टार से कड़ी टक्कर। नाम मनीष शाह। मनीष की प्रोडक्शन कंपनी है गोल्ड माइंस, जो कि साउथ की फिल्मों को हिंदी में और कई अलग अलग भाषाओं में डब करती है खास अपने दर्शकों के लिए। और आज जब OTT प्लेटफॉर्म की वजह से क्रॉस प्रमोशन ने जबरदस्त तेजी पकड़ ली है, तो आप सभी को उस इंसान से मिलवाना जरूरी था जो आपको एंटरटेन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। और आज आप ये भी जानेंगे कि क्या बॉलीवुड के कंटेंट को साउथ का कंटेंट टक्कर देने के लिए तैयार है। हेलो सर, वेलकम टू ABP न्यूज। या हाय, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पुष्पा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसको, एज अ प्रोड्यूसर कितनी सेटिस्फेक्शन है आपको? 100% सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो पिक्चर आपने मेहनत करके ऑडियंस तक ले आए वो ऑडियंस ने एक्सेप्ट की, ऑडियंस ने उसको एंजॉय किया। सर आपने शुरुआत की कि साउथ इंडियन फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाए, तो ये आइडिया कहाँ से आया सबसे पहले ये जानना? जब 2005-06 में हमारे सब जितने सिंगल स्क्रीन्स थे वो सब ब्रेक हो रहे थे, मल्टीप्लेक्सेस आ रहे थे, तो जब मल्टीप्लेक्स आ रहे थे जो पिक्चर बनने लगी वो सिंगल स्क्रीन की नहीं बन रही थी, मल्टीप्लेक्स की बन रही थी। हम लोग जो पुराने जमाने की एक्शन पिक्चर थी जैसे कि शोले है, घातक है, घायल है, गदर है, ये सबको मिस कर रहे थे। तो और तभी साउथ इंडिया में अच्छी एक्शन पिक्चर बन रही थी, तो जो सबसे पहली पिक्चर हमने सिलेक्ट की वो थी मास नागार्जुना की, और वो पिक्चर को हमने डंप किया हिंदी में एज मेरी जंग और मैन आर्मी। हमने तभी सिलेक्ट की वो तीन हीरोज नागार्जुना, चिरंजीवी और रजनीकांत, जो हिंदी पिक्चर में आ चुके थे, और उनकी पिक्चर को डंप किया। पिक्चर सक्सेस हो गई, वो एक पिक्चर सक्सेस हुई तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। सर जब पहली बार ये कदम उठाया तब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े आप? बहुत सारे चैलेंजेस, लोग एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं थे कि साउथ पिक्चर को हिंदी में डब करना चाहिए। फॉर एन एक्सटेंड कि मेरे ऑफिस में लोगों का ऑपोजिशन था, हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर सक्सेस आती है तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर जब आपने अभी पुष्पा की बात करूं, इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, डबिंग का प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जब पिक्चर हम लेते हैं, व्हेन आई बाय अ मूवी, सबसे पहले मैं पिक्चर को विद सबटाइटल प्रीव्यू करता हूँ और प्रीव्यू करके देखता हूँ कि पिक्चर में क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या USP है, क्या माइनस पॉइंट्स है। फिर डबिंग डायरेक्टर के पास वो स्क्रिप्ट जाती है, फिर डबिंग डायरेक्टर उसको पढ़ता है, फिर मैं डबिंग डायरेक्टर डिस्कस करता हूँ कि ये पिक्चर को कैसे ट्रीट करना है, कौन से कैरेक्टर को क्या करना है। और हमारे में और साउथ में काफ़ी कल्चर डिफरेंसेस है, वो सब कल्चर डिफरेंसेस को आयन आउट कराए। टू गिव वन एग्जाम्पल, वहाँ पे भाई और बहन के बच्चों में शादी होती है जो हमारे वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो सब चीज़ों को चेंज कर देते हैं। पुष्पा आई थी, काफ़ी लोग शॉक थे जिनको पता चला कि श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन की आवाज़ दी है, तो ये सिलेक्शन ऐसे आखिर होता कैसे, कैसे डिसाइड करते कि कौन सा एक्टर कौन से एक्टर के लिए वॉइस देगा? ये सब तो हमारा जो आज इतने 15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें डिसाइड होगी, कौन सा एक्टर किसकी वॉइस कहाँ फिट होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, और फिर कॉल लेते हैं कि कुछ इससे करवाते हैं उससे करवाते हैं, वो इट्स अगेन अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस। सर जैसे कि आपने चालू तो किया था डबिंग मास के टाइम से, तो मैं ये पूछना चाहूँगी क्या डिफरेंसेस नोटिस किए डबिंग प्रोसेस में, और क्या लोग आजकल ज़्यादा डिमांड करते हैं उस चीज़ में? एक तो पहले वहाँ की जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है,
सेकेंड थिंग है कि वहाँ पे अब उन्होंने हिंदी आर्टिस्ट को यूज करना चालू किया है, जो हीरोइंस हैं वो यहाँ पे भी एक्ट कर रही है, वहाँ पे भी एक्ट कर रही है, काजल अग्रवाल देख रहे हैं, सामंता देख रही है, हम तमन्ना को देख रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस लोगों की बढ़ रही है डे बाय डे। साथ में जो पिक्चर है, जो कंटेंट है, इट इज़ गेटिंग मच बेटर डे बाय डे। अच्छा, वहाँ का स्केल बढ़ रहा है। एक पुष्पा है, पुष्पा में द बजट इज़ 190 करोड़, और उसमें से भी हीरो प्लस डायरेक्टर है ऑनली टेकन 60 करोड़, 130 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन द मेकिंग ऑफ द मूवी। वो सबसे बड़ा फ़र्क हुआ है। आज भी लोग बोलते हैं कि टेलीविजन इज गोइंग टू डाई नेक्स्ट 5 to 7 years। मैं बोल रहा हूँ कि आई विल एंश्योर टेलीविजन डज नॉट डाई फॉर नेक्स्ट 10 years। तो इट्स अ पैशन टू हैव समथिंग ऑफ योर ओन। सर, ये भी पूछना चाहूँगी, पहले न्यूज़ थी कि आला थिएटर्स में रिलीज़ होगी हिंदी वर्जन, बट अब आपके चैनल पर रिलीज़ हो रही है, एक तरीके की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कि अगर थिएटर्स में रिलीज़ होती तो शायद ज़्यादा ऑडियंसिस तक पहुँच पाती? मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप थिएटर में जाओगे आपको पैसे देके, आपको पेमेंट पैसे देके टिकट खरीदनी पड़ती है, और कोविड के टाइम में अगर आपको पिक्चर हमारे ढिंचक चैनल में देखने को मिल रही है ऑन 13 February 2022, द वैलेंटाइन वीकेंड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इट विल रीच मोर ऑडियंस एज कम्पेयर टू अ थिएट्रिकल रिलीज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आला। कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ मेघा थदानी, ABP न्यूज, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।